हाय मिस्टर एक्सक्यूज मी, नाम तो सुना होगा जनाब। कोरोना वायरस की जो पाकिस्तान में सूरत हाल है कदरे बेहतर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बिल्कुल इस दुनिया से ही ये वायरस ख़त्म हो जाए। और गवर्नमेंट के जैसे हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि 14 और 15 अप्रैल को सारे मामला खुल जाएंगे, लॉकडाउन वगैरह ये वो, तो अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो और ये बीमारी बिल्कुल इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा कि जैसा कि लोगों के लॉकडाउन के दौरान, इस वायरस के दौरान काफ़ी हालात फाइनेंशियली ख़राब हैं, तो आप प्लीज़ इमदाद करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखें कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको ढूंढ के खुद उन तक अपनी हेल्प पहुँच अपनी इमदाद पहुँचाएँ, ताकि वो किसी भी तरह से उनकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह ना हो। उनकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सफ़ेद पोश ज़ाहरी तौर पर मांग नहीं सकता और ज़रूरियात ज़िंदगी तो है ना। तो प्लीज़ काइंडली आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि मुंह से नहीं कह सकते, उन तक खुद पहुंच के उनकी इमदाद इस वे से करें ताकि उनकी रिस्पेक्ट भी ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत अफजल सदका जारिया है। तो सबसे जो स्पेशल है, हमने इमदाद करते हुए एक दूसरे की इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखना है। और कोशिश करें कि इस तरह की आप लोग सर्च करें कि जहाँ पे जो रियल में ज़रूरतमंद है उस तक आपका जो इमदादी पैकेज है, खार राशन की सूरत में है या नगद है, जैसे भी है, वो उस तक पहुँचे। तो अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इमदाद के मद में आके, अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। एक्सक्यूज़ मी आप।